रात को मेरी मम्मी पापा के कमरे से जब भी बाहर आती उनसे चला नहीं जाता और वो रोती रहती मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह मम्मी रोते रोते बाहर निकलती एक दिन मम्मी सोई हुई थी तभी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई पापा का राज जानने के लिए वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था कुछ समय मैं पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था कि आखिर वो पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती मम्मी का होलिया बहुत ही अजीब सा होता उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए सब कुछ अचंबित होता जा रहा था मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था मैं पंद्रह साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हो वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं जैसे बहुत खुश हो और मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या बाथरूम में बंद हो जाती मम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था मैं दसवीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था जबकि मम्मी को देख ऐसा लगता कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कप कपाते हुए भी देखती थी मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूँ लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं छमाही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है मैंने उसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया तुम्हारे पापा अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखते सलोनी ने अचानक से सवाल किया मैं हक्का बक्का सी देखने लगी फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाई उसने बात बदल दी लेकिन मेरी सुई उसी बात पर अटक गई आखिर सलोनी ने ये सवाल क्यों पूछा था मैं घर वापस आई तो मम्मी का चचेरा भाई आर्यन अंकल बैठे हुए थे वो दोपहर को हमारे घर आते थे मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी मम्मी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे फिर आर्यन अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई मम्मी की शादी को सत्रह साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और ना समझ थी लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है वह मेरी माँ की तकलीफ़ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी आर्यन अंकल से हमारी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था आर्यन अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आर्यन मिलने रोज आता है तो बहुत बुरा होगा मैं माँ को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा पापा सुबह काम पर जाते हैं रात को ही घर आते हैं मुझे तो आर्यन अंकल बहुत अच्छे लगते थे वो हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुज़र बसर भी मुश्किल से होता था मम्मी ना जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज़ में इनकार किया मैंने आंखें नहीं खोली थी मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं चल ना कृतिका मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा वादा पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया तुम्हें सोचना चाहिए अब हमारी बेटी जवान है वो सो सवाल करने लगी है लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेज़ी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी दो घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापस नहीं आई मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई मम्मी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई मैंने एक गहरी निगाह मम्मी पर डाली उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज़ कंधों की जगह से फटी हुई थी इस बात ने मुझे बहुत चौंकाया मम्मी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटने लगी मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही कपड़े पहने थे लेकिन फिर अचानक ही मम्मी की कमीज कैसे फट गई मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली लेकिन मुझे मम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जवान पर ले आऊं। लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो पापा की आमदनी कम थी लेकिन पापा हमेशा खुश रहते मुस्कुराते रहते काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो मैंने उल्टी निगाह अपने बाप पर डाली जिससे मुझे आज भी नफ़रत महसूस हो रही थी पापा के आगे नाश्ता रख कर मैं स्कूल चली गई सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए कपड़ों की तरफ था स्कूल से वापसी पर मुझे आर्यन अंकल मिल गए मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई आर्यन अंकल ने गौर से मेरी तरफ़ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने आर्यन अंकल को सारी बात कह दी मेरी बात सुनकर आर्यन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती कब तक तुम दोनों उनके जुल्मों की चक्की में पिसते रहोगे आर्यन अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के बीच में क्या होता है आर्यन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समुंदर में डूब गई बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे उन्हें जालिम करार देती लेकिन मम्मी की आंखों में आंसू पापा को जालिम साबित करते थे आर्यन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए मम्मी हम दोनों को देख खुश हो गई थी हमारे लिए फ़ौर खाना लगा दिया मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और आर्यन मम्मी के पास बैठे रहे मुझे नींद नहीं आ रही थी मैं सारा वक्त आर्यन अंकल की बात को सोचती रही मम्मी को पापा के कमरे में गए तीन दिन गुज़र चुके थे और पिछले तीन दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी मम्मी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे चौथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वे एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो अगर तुम्हारा दसवीं का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई मैं मम्मी से नाश्ता लेने के बाद पापा के पास गई उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा के इस दोगले बर्ताव पर हैरान रह गई थी पापा किसी तरह भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे बल्कि मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा के जुर्म की दास्ता सुनाती थी मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बग़ैर नींद नहीं आती और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ पापा की बात सुनकर मेरा खून खोल उठा था क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी आर्यन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी थी मैं उम्र में पंद्रह साल की थी लेकिन नाक नक्श से मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे मेरी खुश नसीबी है कि कीर्तिका आज खुद चल मेरे कमरे में आई हो पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए मेरा हाथ पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया पापा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी पापा बहुत मोहब्बत से कहने लगे कीर्तिका बेटी जवान हो रही है ये कह कर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये समझ ना हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं तू सारा दिन काम करके थक जाती है चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा मैं तुझे अपने क़रीब देख कर खुश हो जाता हूँ पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया वे बहुत धीरे धीरे मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे वे कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है जिससे वह मेरी शादी करेंगे उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए वे कह रहे थे मैं जानता हूँ कि आर्यन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है लेकिन कीर्तिका मैं तुझे बता दूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी हैं इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर में पापा को नींद लग गई काफ़ी देर तक मैं पापा के पास लेटी थी लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझ आता इसलिए आर्यन अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे अगली सुबह पापा रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था मैं खामोशी से पापा का जायजा ले रही थी लेकिन मुझे पापा के रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही आर्यन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी मैं हमेशा दूर से नमस्ते कर घर आती थी लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई मम्मी और आर्यन अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है मम्मी आर्यन अंकल से हंस कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके पापा के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी वो बुढ़ा ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए हैं लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना होलिया खुद ही ख़राब कर लेती हूँ मैंने गुड़िया के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुर्म करता है एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज़ तक फाड़ डाली मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुढे से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े गुड़िया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्ता सुना देगी और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। आर्यन अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ मैंने गुड़िया से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊँगा मम्मी आर्यन अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था आर्यन अंकल मेरी माँ के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूँ लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा बस गुड़िया को किसी भी तरह ये सच पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं गुड़िया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है मम्मी और आर्यन अंकल को यकीन हो गया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पापा को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे पापा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी मुझे पापा की बात याद आ गई कि आर्यन ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी मैं बहुत कुछ जांच गई थी इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई मुझे देख मम्मी और आर्यन अंकल चौंक उठे लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया आर्यन अंकल ने मेरी तरफ़ चॉकलेट बढ़ाई मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय मम्मी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्या मसला है मम्मी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है इसलिए बिना झिझके मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया मम्मी शादी से पहले अंकल से प्यार करती थी लेकिन आर्यन अंकल उनसे शादी करने के बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और मम्मी की मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और मम्मी के दिल में आर्यन अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया मम्मी जवान और खूबसूरत थी जबकि पापा उम्र में दस साल बड़े थे और पापा सांवले शक्ल सूरत के मालिक थे जबकि आर्यन अंकल हैंडसम थे मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्ज़ी से था और मम्मी ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर पापा से शादी तो कर ली लेकिन वो कभी पापा को दिल से अपना नहीं पाई थी जबरदस्ती का ये रिश्ता मम्मी के लिए किसी बोझ की तरह था लेकिन मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के एक साल बाद ही मैं माँ की गोद में आ गई थी मम्मी की शादी के आठ साल बाद आर्यन अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे मम्मी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर आर्यन अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। ले लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात माँ की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे ख़ानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया पापा माँ से सच्ची मोहब्बत करते थे इसलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया बड़ी मम्मी के हाथ मेरी माँ तो ना आ सकी लेकिन उन्होंने आर्यन अंकल पर सख्ती की और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था उसे एक साल पहले आर्यन अंकल ने दोबारा ज़िंदा कर दिया अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे मम्मी को तो पहले ही दिल से पापा पसंद नहीं थे हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे जबकि आर्यन अंकल के पास दुबई का पैसा था और मम्मी के लिए पापा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था लेकिन दिक्कत यह थी कि पापा मुझसे भी बहुत प्यार करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी इसलिए मम्मी ने जानबूझकर कर ये सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया मम्मी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी इसलिए मेरे सामने पापा को जालिम साबित किया और ख़ुद मुलाजिम बनकर रहने लगी मैं इतने साल से ये सोच रही थी कि पापा तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं करते फिर वो बंद कमरे में माँ पर जुर्म कैसे कर सकते हैं मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफ़ादार पापा को नहीं छोड़ सकती आर्यन अंकल जो पहले ही मम्मी को दो बार छोड़ चुके थे मम्मी उनसे ना जाने कैसी तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी मुझे आर्यन अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद मम्मी उनके किसी काम की नहीं मम्मी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूँ और पापा को छोड़ दूँ लेकिन मेरे लिए मेरे पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे पापा ही सब कुछ थे अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फ़ैसला कर बैठती लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था लेकिन मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए राज़ी थी लेकिन जब आर्यन अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊँगी और ना ही मम्मी के साथ चलूँगी तो एक बार फिर मम्मी से अपनी राह जुदा करके मम्मी को छोड़ गए थे मम्मी को पता चला था कि आर्यन अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे वो बहुत ही चलाक और मक्कार इंसान थे उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था मम्मी को अब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो मेरी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही उछालते जैसे बड़ी मम्मी ने मम्मी की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरने की कोशिश की थी न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी के काम आ गया था कि हम अंकल के चुंगल से निकल गए थे रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा दिया पापा की खुशी देखने के लायक थी पापा सच में मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वो मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए थे इतने सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे के ऐप ढक लेता है तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी रात को मेरी मम्मी पापा के कमरे से जब भी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुभ व मंगलमय हो